बात कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के सेक्शन की। प्रोडक्ट रिसर्च के सेक्शन के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे आता है प्रोडक्ट सीकर, दूसरा आता है शॉप एनालाइजर, दूसरा आता है अलोरा एक्सटेंशन। प्रोडक्ट सीकर और शॉप एनालाइजर का क्या है सीन, ये बताते चलूँ कि शॉप एनालाइजर की पहले बात कर लेते हैं हम। शॉप एनालाइजर के अंदर हमें जो है वो एटसी बताता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट या अकाउंट फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ये प्रोडक्ट ओपन की और इसके जो शॉप का जो नेम है उसको हमने कॉपी करना है। ये शॉप नेम मैंने उसके इस स्पेसिफिक सेलर का जो है मैंने कॉपी किया और इस शॉप एनालाइजर में आया और इसके अंदर उस शॉप का नेम डाला और सर्च करवा दिया। अच्छा जी, अब जब मैंने शॉप एनालाइजर में स्पेसिफिक सेलर को जो है मैंने एनालाइज करवाया तो इसके अंदर मुझे अलोरा कहता है कि इसने ओवरऑल जो है वो 282.60K की जो है रेवेन्यू अपने शॉप के ऊपर जो है उसने जनरेट कर लिए। सेल्स इसकी 3.08K है, रिव्यूज इसके पास जो है 691 दिखा रहा है और 4.8 ऑन एवरेज जो है इसके पास रिव्यूज है। लिस्टिंग्स जो है इसके पास 165 लिस्टिंग्स इसने इस सेलर ने कर रखी है अपनी शॉप के ऊपर। सेल्स पर लिस्टिंग 19 ये दिखा रहा है, एडमायर्स 907 दिखा रहा है और ऑन एटसी सिंस अक्टूबर 31, 2019, 2019 से ये सेलर जो है एटसी पर सेल कर रहा है और अभी तक इसने जो है वो 282.60K डॉलर्स की सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर दिया बेसिकली। अब इसके नीचे अब मैं आता हूँ थोड़ा सा शॉप लिस्टिंग। अब ये वो लिस्टिंग्स दिखा रहा है जो कि इस सेलर ने अपने शॉप के अंदर लगाई हुई है। अब मुझे यहाँ पे बताता है, अब मैं प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहा हूँ अगर अलूरा से और मुझे कोई प्रोडक्ट को जो है देखकर फाइनलाइज करना है या कुछ देखना है तो मैं करता ये हूँ कि मैं प्रोडक्ट को उठा शॉप सेलर जो शॉप का नेम होता है वो उठा के एनालाइजर में लाता हूँ और उसकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो है सेल्स को देखता हूँ कि वो मंथली सेल्स क्या आ रही है। अगर अब मैं देखूँ कि ये जो पहला प्रोडक्ट है कन्वर्टेबल बैकपैक पर्स, इसकी जो है इसकी रेवेन्यू ये बता रहा है कि $188 का ये सेल हो रहा है। फेवरेट इसके पास हो रहा है 1443, ये मुझे दिखा रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है मंथली सेल्स इसके पास आ रही है 8 और इसने टोटल सेल्स इसने कर दी है 33, मीन्स 33 और 333 जो है वो इसने सेल्स टोटल पे कर दिए, यूनिट्स बना लिए और इसकी मंथली रेवेन्यू जो है वो $1,500 है और टोटल रेवेन्यू इसने जो है 62,603 इसने बना ली है। तो अब मुझे यहां से पता चल गया कि यार इसका प्रोडक्ट जो है ये वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है बड़ा अच्छा चल रहा है और इसने जो है मंथली इसकी रेवेन्यू जो है वो 1500 हो रही है, सेल्स ऑन एवरेज जो है वो 8 से 9 जो है इसकी पर मंथ ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के और टोटल सेल्स इसने 333 कर दिए है। और वही बात नीचे आता हूँ, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हैंडमेड आइटम है, यस इट मीन्स कि ये हाथ से बनी हुई चीज है, विंटेज है, नो दिखा रहा है विंटेज आइटम नहीं है, क्राफ्ट सप्लाई नो, डिजिटल आइटम नो, कस्टमाइजेबल आइटम यस। अगर मैं इसको जो है व्यू ऑन एटसी करके इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इसने वेरिएशंस डाले हुए हैं, स्पेसिफिक वेरिएशंस आ रहे हैं कलर के हिसाब से, प्लस जो है उसके लैपटॉप और पर्सनलाइज ये सारी चीजें भी इसने डाली हुई है। और इसके साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के मैं रिव्यूज देखता हूँ कि रिव्यूज फॉर दिस आइटम के ऊपर जो है मुझे 27 रिव्यूज दिखा रहा है। 27 रिव्यूज के अंदर यहाँ पे मुझे दिखाता है सॉर्ट बाय से मैं जो क्या करता हूँ कि मोस्ट रिसेंट पे जाता हूँ, सजेस्टेड पे नहीं जाता, मोस्ट रिसेंट पे इसको फिल्टर लगाता हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है कि नवंबर 29 को जो है लास्ट रिव्यू इसको मिला है 5 स्टार, फिर अक्टूबर 21 को मिला हुआ है,
और इसके पास इन कार 11 कार्ड्स के अंदर डला, मीन्स 11 लोगों के एड टू कार्ड हुआ हुआ ये प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे इसके अंदर, मैं देखता हूँ कि यार इसको 29 नवंबर को लास्ट रिव्यू मिला है, लेकिन अलूरा मुझे कह रहा है कि इसकी मंथली सेल्स जो है 8 हो 8 सेल्स बता रहा है, 8 से 9। अब क्या बाज अवकात ऐसा होता है, देखें हम रिव्यूज को जब हम देखते हैं कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि मैं ये मेरी ये स्ट्रेटेजी होती है कि जब मेरे 100 यूनिट बिकेंगे तब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे 5 से 10 रिव्यू मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि इसके ये मुझे बता रहा है अलूरा की जो है 33 333 की सेल्स है, लेकिन इसके पास जो है 20 रिव्यूज मुझे दिखा रहा है, 27 थे वो उसके पुराने वाले वो शो नहीं कर रहा, तो 27 रिव्यूज इसको मिले हैं। इट मीन तो ये ऑन एवरेज अगर मैं देखने जाऊं तो 300 325 यूनिट इसके सेल हुए हैं, और उसको जो है 20 से 25 जो है वो रिव्यूज मिले हैं, जो कि ऑन एवरेज ऐसा ही होता है कि आपको इसी तरह मिलेंगे। बादशाह तो नादिर ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको जो है वो ज्यादा रिव्यूज मिल जाते हैं, लाइक अगर 100 यूनिट सेल हुए होंगे तो उसको जो है 50 जो है वो रिव्यूज मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून ऐसी प्रोडक्ट निकलती है जिसके पर रिव्यूज हमें तेजी से मिलते हैं, वरना ऑन एवरेज अगर देखने जाऊं तो इसी तरह चल रहा होता है। इसी तरह मैं अब ये मैंने प्रोडक्ट देखा, इसको प्रोडक्ट को देखते हुए जो है ये देखता हूँ कि लेदर का जो है ये बैग है कन्वर्टेबल, और उसके बाद मैं अब जो है और ये बिक भी रहा है। अगर मैं ब्लैक का यहाँ से लेता हूँ वेरिएशन, तो यहाँ पे मुझे कहता है कि लैपटॉप सेक्शन अगर आप लेते हो तो $122 का पड़ेगा, पर्सनलाइज पे जाते हो तो $120 का पड़ेगा, और लैपटॉप एंड पर्सनलाइज पे जाते हो तो $129 का पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसने एक ऑप्शन दिया हुआ कि पर्सनलाइज में होता ये है कि आप जो है इस बैग के ऊपर जो ना अपना नाम लिखवा दें पर्सनलाइज में, तो वो नाम लिखकर जो है वो आपके उसके ऊपर आपको जो है वो मिल जाएगा। आप देखिए इसके अंदर फॉन्ट्स के जो है ना उसने दिए हुए ऑप्शंस के, आपको कौन सा स्टाइल का फॉन्ट चाहिए उस स्टाइल के अंदर जो है ना फिर आपको क्या कहते हैं वो उस स्टाइल के अंदर आपका स्पेसिफिक नेम जो है वो उस बैग के ऊपर वो प्रिंट करके या एम्बोस करके वो आपको भिजवाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो 110 $120 के अंदर जो है आराम से सेल हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप जो है यहाँ से ये सेम प्रोडक्ट सेम डिजाइन के अंदर जो है आप बना सकते हैं, या पाकिस्तान से लेदर का जो है वो इजीली बन जाता है, अगर जो है वो अगर ऐसा बैग मैं देखने जाऊँ बनाने के लिए लेदर का कराची या किसी पाकिस्तान के किसी और शहर से, तो ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ 6 से 7 हज़ार रुपए का बनेगा सिर्फ ये बैग, अगर मैं प्योर लेदर के ऊपर जाता हूँ। अगर वो मिक्स वाला लेदर अगर आप लेते हैं तो वो 4 5 हज़ार रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो लेदर की निश एक बड़ी अच्छी निश है, उसके अंदर जो है सेचुरेशन है। अगर आप जैकेट की निश पे जाते हैं, जैकेट बेचने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको सेचुरेशन मिलेगा, और उसके अंदर रिटर्न्स भी आपके पास ज्यादा रेशो जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि जैकेट है आपने मीडियम आप 3 साइज बेच रहे हैं, स्मॉल लार्ज मीडियम, आप कोई बंदा जो है मीडियम साइज का जो है वो जैकेट ऑर्डर करता है वो, और उसके पास वो जैकेट पहुंचता है और उसको नहीं होता, उसका साइज का मसला आ जाता है, तो वो फौरी आपको रिटर्न करेगा, या उस आपने वो जैकेट भेजा और उसको जो है कलर पसंद नहीं आया तो वो फिर से आपको रिटर्न कर देगा। तो ऐसा होता है बाज। तो क्लोथिंग की कैटेगरी, शू की कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रिटर्न्स के रिटर्न का जो रेशो है वो हाई होता है, तो इसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उन कैटेगरीज में जाएं और अपना जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च करें, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर बड़े हमें जो ना वो सर दर्द बन जाता है एक तरीके से, और उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरा एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसकी कहता है कि लेदर मेकअप बैग वुमेन, ये इसकी सेल्स भी मुझे बता रहा है कि जो ना 8 8 से 9 जो ऑन एवरेज मंथली सेल हो रही है, और फेवरेट जो है 1918 इसकी जो है फेवरेट हुए हुए, और इसका जो मंथली रेवेन्यू है $352 है, और टोटल रेवेन्यू इसकी इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बस ने जो है $9,328 का बना लिया है।
और 212 सेल्स इसकी जो है इसने इस प्रोडक्ट की कर ली है। और इसको अब मैं देखता हूँ जाके, अब प्राइसिंग इसकी देख सकते हैं कि 26+ दिखा रहा है, वही वेरिएशन वाली कहानी है। तो ज्यादा से ज्यादा महंगा जो है वो $63 का है इसके पास, और इसके पास जो है वो रिव्यूज 89 बता रहा है। और सजेशन के अंदर जाता हूँ मैं, मोस्ट रिसेंट के अंदर तो January 30, 2023 को ये लास्ट रिव्यू इसका जो है 5 स्टार मिला है, और इसी के साथ जो है January 19 को भी एक 5 स्टार रेटिंग मिली है। इट मीन्स कि इसका ये वाला प्रोडक्ट जो है वो चल रहा है अभी तक, और ये अच्छा सेल हो रहा है। 89, 88 जो है वो उसके पास रिव्यूज मुझे शो कर रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन वही है कि आप इंडिविजुअल अगर आप पाकिस्तान से ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे तो आपके बारे में नहीं आएगा, लाइक आपकी फिजिबिलिटी नहीं बन सकेगी, क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट बना है 1,000 रुपए का, ठीक है, और लेकिन उस पे जो है मिनिमम जो चार्जेस जो लगता है शिपिंग के, वो आपके लग जाएंगे 6,500-7,000 रुपए अगर आप इंडिविजुअल ऑर्डर्स को प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कहते हो कि ठीक है जो है प्रोडक्ट को जो है हम 3PL कर दें, थर्ड पार्टी वेयरहाउस में रखवा दें किसी और कंट्री के अंदर, और वहां से शिपमेंट करें, तो फिर आपकी फिजिबिलिटी बन सकती है और आप उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि आप जब यहाँ से बल्क के अंदर जो है वो भिजवाएंगे बाहर, तो वो जो है वो आपको शिपिंग जो है बड़ी सस्ती, चिपेस्ट शिपिंग मिलेगी, और आप अपना जो इन्वेंट्री होगी वो आराम से किसी और कंट्री के अंदर वेयरहाउस में रखवा के जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक तरीका शॉप एनालाइजर का है, जिससे जिसके थ्रू मैं जो है वो सारी चीजें पर्सनली अपना काम कर रहा होता हूँ। और जो है वो पहले मैं करता ये हूँ कि जो है ना कीवर्ड फाइंडर में जाता हूँ, कीवर्ड्स को जो है यहाँ से अपने फाइनलाइज करता हूँ, फिर मैं आता हूँ एटसी के ऊपर, एटसी पे उस कीवर्ड से जो है वो सर्चिंग करता हूँ, और सर्चिंग करने के बाद कोई मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो मैं इस प्रोडक्ट के सेलर को जो है ये उसको जो है शॉप एनालाइजर में लेके आता हूँ, और उसके बाद मैं उस प्रोडक्ट की जो है सेल्स देखता हूँ कि क्या सेल्स हो रही है, और उसके बाद जाके मैं अपने प्रोडक्ट का डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई अब मुझे ये इस पे काम करना है या नहीं, मैन्युफैक्चर करवानी है या नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट जब भी लॉन्च होगी आपकी, ये मेक श्योर के एक चीज ध्यान में रखें कि आप कोई सी भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उससे उसके जो यूनिट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट आपने बनवाने स्टार्टिंग के अंदर, 5 यूनिट से ज्यादा आपने नहीं बनवाने, और उसको उस प्रोडक्ट को जो है वो टेस्ट करना है कि वो प्रोडक्ट कितने दिनों में बिका, क्या प्रॉफिट में आया, कितना प्रॉफिट आया आपको, क्या फीडबैक मिला, ये सारी चीजें आपकी वो 5 यूनिट के अंदर या 10 यूनिट के अंदर जो ना हो जाएगी। जब आपके वो यूनिट बिकना स्टार्ट होंगे, आपको फीडबैक मिलेंगे, तो आपको जो है अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में इस प्रोडक्ट में दम है या नहीं, सामने बायर जो है वो लाइक कर रहा है या नहीं। जब आपको लगे कि हाँ भाई अब ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली चलने स्टार्ट हो गई है, प्रॉफिट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर आपने इसकी दूसरी इन्वेंट्री की प्लानिंग करनी होती है। उसके अंदर मैं जब प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब नेक्स्ट इन्वेंट्री की जो मेरी प्लानिंग होती है उस तरह होती है कि मैं नेक्स्ट इन्वेंट्री मेरी 20 से 30 यूनिट की बनाता हूँ मैं उस सेम प्रोडक्ट की, और उसको मैं 3PL करता हूँ, और 3PL करके उसके बाद मैं जो है वो उसको सेल पे लगाता हूँ, जिससे मैं प्रॉफिट अच्छा निकालू। जी शाजिया, आप एंड में जो है मुझसे कुछ आप मैं Q&A का जो है वो सेशन है मेरा इसी सेशन में, देन उसके बाद आप लोग सवाल कर लीजिएगा मुझसे। देन उसके बाद जो है वो वहां पे मेरी 3PL में चली जाती है इन्वेंट्री, और वहां से मैं अपने ऑर्डर्स को जो है प्रोसेस करवाता हूँ 3PL के थ्रू, और वो FBM बेसिकली हो रहा होता है। वो FBM के अंदर ऑन एवरेज जो है वो 3PL वाला मुझसे जो चार्ज करता है पर यूनिट 2.5 to 300 $3, 2.5 से लेकर $3 तक जो है पर यूनिट वो हैंडलिंग की मेरी फी चार्ज करता है, और उसके अंदर वो लेबल्स मैं अपने देता हूँ एटसी से बाई करके। एटसी के पास एक ऑप्शन होता है कि आप वो एटसी से जो है लेबल बाई करें और अपने जो है वो उसके लेबल्स को यूज करते हुए शिपिंग करें, तो उसके अंदर यह है कि आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है,
जब एटसी से आप लेबल बाय करते हैं तो होता ही है कि मैं उससे लेबल बाय करके आपने जो है एटसी के ये सॉरी 3PL के जो मेरा हो 3PL वाला वो होता है सर्विस प्रोवाइडर, मैं उसको देता हूँ। मैं कहता हूँ फला यूनिट के पर फला एसक्यूयू के पर ये वाला लेबल प्लेस करके आप निकालते हैं इसको, तो वो जो है वो लेबल प्लेस करता है मेरे पार्सल के ऊपर और जो है वो शिप कर देता है। तो ये सारा मामला, और इसके अंदर स्टोरेज फी जो है वो लगती है। अगर मेरा मेरी इन्वेंट्री या मेरे कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि वो 30 दिन से ज्यादा वहां पे रखा होता है 3PL के अंदर, तो उसके ऊपर मुझसे जो है वो ओवरऑल वो चार्ज करता है कुछ $20 to $30 पर मंथ, जिसके अंदर जो है वो मेरी इन्वेंट्री के स्टोरेज फी मुझे देनी पड़ती है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है मसले वाली, ये तो बिजनेस है, तो हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का अब तक का जो है सारी चीजें समझ आई होगी। और इसके अंदर एक एनालिटिक्स का भी एक ऑप्शन है इस स्पेसिफिक शॉप के हवाले से, कि मुझे बता रहा है कि जो है यहाँ पे ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो है इसके अंदर इसकी मुझे बता रहा है यहाँ पे कन्वर्टेबल की जो प्रोडक्ट है इसकी 33 वो दिखा रहा है सेल्स, जो कि ये बड़ी अच्छी चल रही है इसकी। ठीक है, और इसी के साथ वो आगे वो सारे उसके प्रोडक्ट्स के मैट्रिक्स दिखा रहा है कि कितनी सेल्स हुई, 63 मुझे दिखा रहा है, इसकी प्रोडक्ट 62 दिखा रहा है, 61 43 इस प्रोडक्ट के दिखा रहा है मुझे। अच्छा, इसके अंदर साथ ही साथ जो है ये टैग्स भी मुझे दे रहा है कि टैग फ्रिक्वेंसी पर्सनलाइज की 15 सेल्स मुझे दिखा रहा है लिस्टिंग के अंदर, 53 लिस्टिंग के अंदर ये पर्सनलाइज का ऑप्शन दे रहा है, कीवर्ड आ रहा है बेसिकली लेदर बैकपैक का जो है कीवर्ड वो उसकी 50 सेल्स दे रहा है उस कीवर्ड्स के थ्रू, और 17 लिस्टिंग के अंदर ये लेदर बैकपैक का कीवर्ड डला हुआ है इसकी। पॉपुलरिटी जो है दिखा रहा है 32%, 10%, 8% इस तरह करके। ये जो टूल है वो बड़ा ही जो है वो फायदेमंद है, इसको आप यूज करें, महंगा है थोड़ा, लेकिन ये है कि इससे बड़ी हमें हेल्प मिल जाती है डिसीजन मेकिंग करने में और अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में, ये बड़ा हमें हेल्प करता है।